क्योंकि ऐतिहासिक साल में देखते हो चुनाव तो होते थाकबे तो चुनाव देखो तो 33 साल कम्युनिस्ट कोइलो 15 साल कांग्रेस कोइलो 10 साल तृणमूल कोइलो तो देख ली सब आजसू ने पुरुलिया में किया राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। बंगाल चुनाव की सरगर्मी के साथ झारखंड की आजसू पार्टी ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में मंगलवार को आजसू ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में आजसू ने चुनाव के मद्देनजर कई आवश्यक राजनीतिक तैयारियां की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि बंगाल के पुरुलिया का इलाका आज भी पिछड़ा है। यह इलाका जंगलमहड़ राड़ भूमि है। इस भूमि में रह रहे लोगों का देश की आजादी के आंदोलन बड़ी भूमिका रही है। बड़ी संख्या में आजादी के साथ आंदोलनकारियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, लेकिन आज उन आंदोलनकारियों की पहचान नहीं की गई है। इसलिए आजसू आंदोलनकारियों को चिन्हित कर वैसे परिवार को नौकरी दिलाने का काम करेगी। आजसू ने कहा कि इस इलाके में पूर्व में कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस शासन चला रही है, लेकिन अब तक यहां के लोगों का कोई भला नहीं हुआ है। कभी भी इस क्षेत्र से राज्यसभा सदस्य तक चुनकर नहीं आए हैं। ऐसे में इन इलाकों में लोगों को राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनाने की जरूरत है। आजसू सुप्रीमो ने कहा कि पहले यहां जनता के बीच में चेतना जगाने का काम किया जाएगा। चेतना जगाने के बाद जनता खुद तय करेगी कि उसे किसके साथ और कैसे राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना है। लेकिन बंगाल में होते हुए भी जंगल महल इलाके का न सामाजिक आर्थिक विकास हुआ और न राजनीति। इस क्षेत्र में लोगों को पूरी तरह से तिरस्कृत किया गया है। यहाँ के लोगों की अपनी कोई पहचान नहीं है। ऐसे में इस पूरे जंगल महल इलाके को आजसू एक स्वायत्त इकाई के रूप में विकसित करने के लिए कदम बढ़ाएगी। साथ ही पुरुलिया का जंगल महल इलाका अपनी भाषा संस्कृति के साथ सुरक्षित रहे और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि पुरुलिया क्षेत्र के 4 जिलों में आजसू पहले जनता के बीच अपनी पार्टी का विस्तार करेगी, उसके बाद ही चुनावी राजनीति में जन समर्थन के साथ कैसे आगे बढ़ेगी यह आजसू की बोर्ड बैठक में तय किया जाएगा। मोना न्यूज पुरुलिया से विनोद बनर्जी की रिपोर्ट। क्षेत्र के मौलिक विषयों पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। जो सामाजिक संरचना यहाँ पर है, 70% इस क्षेत्र के आदि लोगों के डेवलपमेंट को लेकर कोई प्लान नहीं रचा गया। एक भी राजनीतिक चेहरा यहाँ से उभारा नहीं गया, जो एक बड़ा राजनीतिक चुनौती है। ये वर्तमान समय में सारे विषयों का सबसे पहले जनता के बीच एक जनमत बनाने का तैयारी आजसू पार्टी करेगी। आज देखिए, आप 4 जिले के बारे में बताए हैं, जंगल महल का जो 4 जिले, उसमें सब जगह की आप कैंडिडेट देंगे? सबसे पहले विचार को ले जाएंगे। जो सब्जेक्ट को आज 5 प्रस्ताव लाए गए, इस प्रस्ताव को लेकर पांचों जिले के सभी जनता के बीच में जाएंगे और लगातार इस कार्यक्रम को चलाएंगे। फिर आगे मेरी एक बोर्ड बैठेगी कि आने वाले समय में ये जनमत को वोट के रूप में एकत्रित करना है कि नहीं, ये पार्टी तय करेगा। बंगाल में तो आप जानते हैं तृणमूल का सरकार चल रहा है और बीजेपी अभी तक बोल दीजिएगा तो अभी प्रधान विरोधी दल है, ये दोनों के बीच में सरकार और विरोधी दल के बीच में हमारा सब्जेक्ट हो जा रहा है। मूल सब्जेक्ट राजनीति में तो विषय होना चाहिए कि विरोध करने के लिए राजनीति नहीं, वो ये पार्टी कोच्चे वही कारण हमारा ये पार्टी गरीबो ना एम नहीं, हमारा पार्टी कोच्चे की कारण है, यही तो बोले जाना उचित। कुर्मी, आपको पता है बंगाल में जंगल महल कुर्मी समाज आदिवासी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, इसमें कभी तृणमूल राजनीति कर रहा है, कभी बीजेपी राजनीति कर रहा नहीं होगा, क्योंकि मूल अधिकार इनको चाहिए। ये पूरा समाज लंबे समय से अपने अधिकार से वंचित है और ये समाज उसको प्राप्त मिलना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने और 5 प्रस्ताव जो हम लोग ने लाए हैं, वो यहाँ के अमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। यहाँ शासन इकाई जैसे दार्जिलिंग में बनाया गया है, जैसे काउंसिल के बाद उसका क्षेत्रीय इकाई बनाया गया, उसी तरह से इन 4 जिलों को मिलाकर हमारा जो ये कसम जो जंगल महल जो मानभूम जंगल महल एक टेरिटोरियल एरिया डेवलपमेंट एरिया बनाने का हम लोग मांग करते हैं, सरकार इसका गठन करे ताकि बहुत सूक्ष्म रूप से हम यहाँ के विकास को देख सके, निगरानी कर सके और विकास के पथ पर इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सके। जयसील गारमेंट, जी हाँ, जयसील गारमेंट्स सिल्ली, दीपावली और छठ और धनतेरस के शुभ अवसर पर कपड़ों पर लाया है बम्पर छूट। जी हाँ, जयसील गारमेंट्स में कपड़ों पर बम्पर छूट दी जा रही है। लड़कियों के लेगिंग्स के अलावा दुल्हन साड़ी, दूल्हा के लिए शेरवानी, जींस शर्ट, लड़कों के जींस, फॉर्मल पैंट, सूट, ब्लेजर और मोदी कोट की बड़ी रेंज उपलब्ध है हमारे परिधान में।
और इतना ही नहीं, इसके अलावा छोटे बच्चों के कपड़ों और विंटर कलेक्शन में स्वेटर जैकेट जयसिल गारमेंट्स में उपलब्ध है। तो एक बार अवश्य पधारे जयसिल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर जयसिल गारमेंट्स बुंडू रोड सिल्ली झारखंड।